Hello everyone. Hello everyone. I am Salpeti artist Hina Shah and I'm just waiting. Let everyone come in. Everyone is joining in. Just wait for a few more seconds and then I'll start. Hi. Hello. Come, sir. So, how are you all? Hi, Neha. So, I'll introduce myself. Again, I'll say, hello, everyone. I am a celebrity artist, Hina Shah, and also an educator and founder of Hina Shah Makeovers. I have experience for last 30 years. Hi, Lena. And I have done lots of movies, shoots, bridals and many things. And I have given my practical trainings to all my students also. So before we begin with the topic, I would like to thank Thane Municipal Corporation, Thane Smart City and Digi Thane. जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके साथ मेकअप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं। हाय जादव, हाय नेहा। सो आर यू ऑल रेडी? आज का जो लुक है हमारा ब्रंच लुक है। सो आज मैं आपके साथ मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो ब्रंच लुक इज लाइक अ डे मेकअप लुक। तो how that you can achieve that look, it should look like not too much of makeup, should look very natural makeup. So I hope you all are ready. आप अपने makeup stuff लेके ready हो? और कितने लोग हैं जो मेरे साथ makeup करने वाले हैं? Please send me a thumbs up so that I should start. And my name is Hina Shah, and so today the topic is all about brunch look. I hope aap sab ready ho mere saath karne ke liye, aur jo bhi mere saath makeup kar raha hai to you can tag me in my Facebook page or Instagram in the name of Hina Shah Makeovers. Okay, so can should I start? Send me thumbs up. Lena complex, my makeup vanity is in my salon. Okay Lena, no worries. आप ये videos save होगा तो आप उसको देख के रोज practice कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी tips and tricks share करने वाली हूँ. And yeah. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल कॉल ध्वनि, जो मेरी डॉटर है, एंड शी इज ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट. सो लेट्स बिगिन. या और यहाँ पे और कितने मेकअप आर्टिस्ट है, प्लीज सेंड मी थम्स अप या आप मैसेज कीजिए मुझे. सो आई विल कम टू नो एंड हाउ मेनी आर, ऐसे कितने लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है. ओके, सो लेट्स बिगिन. आप जैसे देख रहे हो ध्वनि, यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्वनि है. आई एम ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट एट हिना शाह मेकओवर्स. वी आर एन अकेडमी बेस्ड इन थाने एंड हमारा क्लासेस होता है यहाँ पे, एंड ऑफकोर्स हम ब्राइडल्स shoots and everything भी करते हैं. एंड शी इज द फाउंडर एंड एजुकेटर हर सेल्फ. और आज का लुक है इज गोइंग टू बी ऑन ब्रंच मेकअप. एंड ब्रंच इज समथिंग लाइक अ डे टाइम लुक. तो इफ यू आर समबडी जिसको मेकअप यू नो सीखना है, डोंट नो हाउ टू अप्लाई, यू नो एवरी डे काइंड ऑफ पर्सन, एज
आई थिंक इवन मैम बिलीव्स दैट यू नो मेकअप इज समथिंग दैट सब लड़की लोग को करना चाहिए. इट्स अ समथिंग दैट एवरी गर्ल शुड पुट ऑन. इट गिव्स कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग एंड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस वी आर हियर टू हेल्प यू आउट टुडे विद अ फ्री लाइव सेशन विद डीजी थाने. वी आर वेरी थैंकफुल फॉर डीजी थाने टू ब्रिंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद यू ऑल एंड शो यू आवर स्किल. या सो लेट्स बिगिन. ओके या सो एज यू कैन सी ध्वनि का जो स्किन है इट्स लाइक नॉर्मल स्किन. ओके जब भी आप मेकअप करते हो तो पहले मेकअप डायरेक्टली आप फाउंडेशन मत लगाइए. अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हो स्किन पे तो थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप डल हो सकता है या क्रीजेस या लाइंस आ सकते हैं, यू नो पैची भी दिखेगा. सो फाउंडेशन लगाने से पहले आप हमेशा मॉइस्चराइज कीजिए आपकी स्किन को. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कीजिए. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर कीजिए. तो मैं यहाँ पे मैक का स्टॉप क्रीम यूज कर रही हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई उसकी स्किन पे. आप अच्छे से मॉइस्चराइजर कीजिए बिकॉज अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं करोगे तो थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप जो है वो रहेगा नहीं बहुत देर तक और पैची दिखेगा. ठीक है गाइस सो नाइसली मॉइस्चराइज योर स्किन. गाइस कितने लोग यहाँ पे आप प्रेप नहीं करते हो यू नो स्किन को स्किन केयर कितने लोग करते हैं. Give us a wave or something so we know you're interested. So मैं इनकी जो ध्वनि की स्किन है नॉर्मल स्किन है. ओके सो आई एम यूजिंग अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैक ब्रांड का है स्ट्रॉप क्रीम. जो क्रीम जो मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हो कि ध्वनि की स्किन देखो किस तरह से नेचुरल ग्लो कर रही है. यू कैन सी मेकअप देयर इज अ ग्लो इन अ स्किन. ओके अच्छा अगर आपकी स्किन ग्लो करेगा तो आपका जब आप मेकअप करोगे कोई भी फाउंडेशन जो भी आप यूज करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो भी नेचुरल ग्लो करेगा. इट विल लुक लाइक नो मेकअप लुक वेरी नेचुरल लुक. ओके सो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन. कितने लोगों को मेकअप करना पसंद है मेकअप करना अच्छा लगता है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेकअप बहुत अच्छा लगता है लेकिन करना आता नहीं है. ओके मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी ट्रिक दिखाने वाली हूँ और छोटी छोटी मतलब वेरी इजी टेक्निक एंड वेरी इजी टू डू और आप मेरे साथ आप खुद भी कर सकते हो. जैसे मेरी मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ तो आप भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो यू नो. तो इससे क्या होगा मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू द मेकअप. ओनली थिंग यू नीड टू डू नीड टू यूज अ राइट प्रोडक्ट जिससे आप अपना लुक यू नो यू कैन अचीव दैट लुक व्हाट यू वांट. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय फाउंडेशन. तो मैं अब फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ ध्वनि की स्किन पे एंड दिस इज मैक का ब्रांड एंड इट्स लाइक वाटर प्रूफ फाउंडेशन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन. सो यू कैन यूज एनी फाउंडेशन. मेबेलाइन यूज कर सकते हो लॉरियल ब्रांड का यूज कर सकते हो लैक्मी है आप वो भी यूज कर सकते हो. तो आप ऐसे नहीं सोचो कि फाउंडेशन है तो मेरा फेस कंसील्ड नहीं होगा. यू गेटिंग मी बिकॉज इट इज डे टू डे मेकअप. ओके तो आप जब आप डे टू डे मेकअप करते हो तो यू शुड लुक लाइक वन टोन राइट एंड एट द सेम टाइम इट शुड गिव यू दैट नेचुरल लुक. बहुत ओवर नहीं लगना चाहिए. अगर आप कंसीलर लगाते हो तो थोड़ा हैवी हो जाता है. सो फॉर पार्टीज एंड ऑल दैट इज ओके बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ ब्रांच लुक और फॉर अ डे लुक और जस्ट यू नो नो मेकअप लुक सो फाउंडेशन आर द बेस्ट टू अप्लाई ऑन द स्किन विच गिव्स यू वेरी नेचुरल लुक. सो यहाँ पे जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं कितने लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और हम आप जैसे देख रहे हो रेस्टोरेंट सारे सब कुछ बंद है. तो वी आर जस्ट वेटिंग कि कभी ये लॉकडाउन लाइक वैसे तो शुरू हो चुका है बट फिर भी शॉपिंग मॉल्स हैं अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं. आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और कौन से फेवरेट रेस्टोरेंट में आप जाना चाहोगे आपके फ्रेंड्स के साथ एंड सो लेट मी नो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो लोगों को पार्टी करना है ब्रंच में जाना है और विद द मेकअप यू वुड लव टू गो राइट.
सो नाउ आई एम अप्लाइंग मॉइस्चराइजर. मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया है एंड दिस इज लाइक मेरा हमारा जो ब्रांड है ईवा स्टोर का ब्रशेस है जो मैं यूज कर रही हूँ. मतलब आपको इतने सारे ब्रशेस की जरूरत नहीं है. ओनली 10 ब्रशेस आर मोर देन इनफ फॉर द मेकअप. ये 10 जो 10 ब्रशेस है वो मतलब इतने ही मेकअप चाहिए. उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए. इतने अगर ब्रशेस है तो मोर देन इनफ. तो ये ब्रशेस से आप बहुत कुछ मेकअप अचीव कर सकते हो. तो ये हमारे ईवा स्टोर में, हमारे एकेडमी में ये ब्रशेस अवेलेबल है. बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में है. तो आप और मैं आप जो यूज कर रही हूँ स्टिपलिंग ब्रश, ओके. और इसको मैंने क्या किया, फाउंडेशन लिया, टैप किया. और आपको मैंने कितने लोगों को देखा है जो फाउंडेशन लगाता है वो इस तरह से रब करता है, वो ऐसे रब करता है, ओके. रब नहीं करना है. जब भी आप फाउंडेशन लगाओ, देखो स्टार्टिंग से ही मैं टैप कर रही हूँ. आपको रब नहीं करना है, आपको क्या करना है, टैप करना है. तो मैं किस तरह से टैप कर रही हूँ, यू कैन सी. और कितना कम फाउंडेशन लिया था, आई एम शोइंग यू हाफ फेस सो यू कम टू नो कितना कवरेज देता है ये और कितना नेचुरल लुक देता है. ओके, सो यू कैन सी दिस लुक एंड दिस लुक. यू कैन सी द डिफरेंस. या प्लीज सेंड मी थम्स अप सो दैट आई शुड नो यू गाइज आर एंजॉइंग. मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है. नहीं आता मुझे करना. ओके कोमल, वाओ कोमल, व्हाट यू नो कोमल. मैं जो कर रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए कर रही हूँ, जो बहुत इजी टेक्निक में आपको बता रही हूँ. तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको मॉइस्चराइजर करना है. आपकी स्किन के टोन के हिसाब से आपको एक फाउंडेशन लाना है, वेदर इट इज अ लैक्मी ब्रांड, वेदर इट इज अ लॉरियल ब्रांड. बहुत इजीली अवेलेबल है. आपकी स्किन का टोन का कोई भी फाउंडेशन ले लो. जिस तरह से मैंने एक ड्रॉप डाला हाथ में, आप स्टिपलिंग ब्रश एक ले लो, उसको टैप करो एंड जस्ट अप्लाई. और आपको क्या करना है, रब नहीं करना है. ओके गाइस, आपको क्या करना है, सिर्फ टैप करना है. सी आपको ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, राइट. सो अगेन आई टेक लिटिल मोर फाउंडेशन एंड आई डू इट ऑन द अदर साइड. ओके गाइस, और एक ट्रिक है, व्हेन यू बाय फाउंडेशन, जब आप फाउंडेशन खरीदोगे तो मेक श्योर कि वो फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड नॉट अ मीडियम और मे बी इवन यू नो लाइट कवरेज. या जब भी फाउंडेशन आप लगा रहे हो तो टैप करके लगाइए, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैप 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 एंड नाइसली कवर योर एंटायर स्किन विद द ईयर एरिया ऑल्सो एज वेल एज नेक एरिया ऑल्सो. ओके, और आंखों के ऊपर भी आपको लगाना है. सो आई एम टेकिंग माई ईवा स्टोर का ब्रश, एक छोटा वाला ब्रश ले रही हूँ, थोड़ा सा आईज के ऊपर भी लगा रही हूँ मैं. एंड जस्ट विद द स्टिपलिंग ब्रश टैप. ओके, एंड टैप, नो रबिंग, ओनली टैपिंग. जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट कभी भी आप फाउंडेशन लगाओ तो आप टैप 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 करो. सो गाइज, ये जो आज का लुक है ब्रंच लुक है एंड आई नो एवरीवन इज वेटिंग कि कभी मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ, मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाओ और काफी सारे फ्रेंड्स को हम मिले. तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा होगा और फेवरेट क्या खाने वाले हो, विच विल बी योर फेवरेट फूड? आपका क्या होगा? मेरा आई वुड लव टू ईट आई थिंक मिसल पाव, मामलेदार का मिसल पाव, विच आई एम वेटिंग कि जाके लॉकडाउन के बाद आई गो विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड हैव दैट मामलेदार का मिसल पाव. आपका क्या फेवरेट होगा, शेयर विथ मी, आई शुड ऑल्सो नो. अमेजिंग, थैंक यू कोमल. सो मैंने क्या किया, पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा दिया and at the same time I'll apply it on the neck area also. So very little foundation you need but at the same time full coverage. So this is all covered. Okay,
आफ्टर दिस वेन यू यूज योर फाउंडेशन और आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो मेल्ट हो सकता है. ओके, यहाँ का महाराष्ट्र का मुंबई का जो क्लाइमेट है काफी हॉट क्लाइमेट, इनफेक्ट ठाणे का जो क्लाइमेट है काफी हॉट क्लाइमेट है, काफी ह्यूमिड क्लाइमेट है, पसीना ज्यादा आता है. तो फाउंडेशन बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेयर फाउंडेशन है, एट द सेम टाइम फुल कवरेज फाउंडेशन है और वेरी लाइट वेट, तो थोड़ी देर के बाद आपका फाउंडेशन जो है वो मेल्ट हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ अपना थाने का वेदर की वजह से. सो उसको सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत जरूरी है. तो कॉम्पैक्ट पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, लैक्मी है, लॉरियल है, मेबेलाइन है, एनी आपके जो स्किन को मैच करता हो. ये मेरा ईवा स्टोर का ब्रश किट है जो मैंने इस तरह का फ्लफी ब्रश लिया है, एंड दिस इज माई मैक कॉम्पैक्ट पाउडर स्टूडियो फिक्स. एंड जस्ट यू नो उसको भी आपको क्या करना है, रब नहीं करना है, सिर्फ टैप करना है. सो दिस इज माई टेक्निक व्हाट आई एम शोइंग यू. फॉर लास्ट 30 years आई एम इन टू दिस फील्ड. जो लोग अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, फॉर द लास्ट 30 years आई एम इन टू दिस फील्ड एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ मूवीज, लॉट्स ऑफ शूट्स, लॉट्स ऑफ फैशन शोज. और मेरे हमारी एकेडमी भी है थाने में और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेरे साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी दिया है. मेरे साथ मैं उनको शूट पे लेके जाती हूँ, मेरे ब्राइडल्स जो होते हैं ब्राइडल्स में लेके जाती हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देती हूँ. सो दिस इज हाउ आई एम अप्लाइंग माई फाउंडेशन. आप जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ टैप करना है, रब नहीं करना है, टैप 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 टैप. सो इट्स कम्प्लीटली सेट. आपका जो फाउंडेशन है कॉम्पैक्ट पाउडर क्या करेगा, कंप्लीटली सेट कर देगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई डिड माय बेस. हर बेस इज रेडी. ओके ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर. एज यू नो ध्वनिस आईब्रोज, मुझे ये ब्रांच लुक है, मुझे ओवर मेकअप नहीं चाहिए, मुझे काफी नेचुरल लुक देना है. तो एज यू कैन सी ध्वनि का जो आईब्रोज है काफी डार्क, मतलब नेचुरल है, अच्छा है, कलर इनका डार्क है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपके आईब्रोज लाइट है तो आप थोड़ा सा उसमें कलर भर दोगे तो बहुत ही नेचुरल दिखेगा. सो आई एम यूजिंग माय गॉर्जियस गर्ल का आईब्रो किट. ओके, इट इज अ क्रीमी, इट इज नॉट पाउडरी, बिकॉज आप पाउडरी यूज करोगे तो इट विल गिव यू दैट आर्टिफिशियल लुक. अगर आप क्रीमी आईब्रो किट यूज करोगे सो दैट विल गिव यू वेरी नेचुरल लुक, पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ आईब्रोज में किया है. अभी जैसे आप ध्वनि की आईब्रोज देख रहे हो, जहां जहां गैप है मैं वहीं पे भर रही हूँ, पूरी आईब्रोज में नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव हर दैट नेचुरल लुक. लेकिन अगर आपके आईब्रोज काफी लाइट है तो एक आप अच्छा सा शेप दे सकते हो. आप आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हो. सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू, बट माई विल बी लाइक आई वुड लव टू यूज क्रीमी आईब्रो किट, जिससे मैं बहुत ही नेचुरल लुक देता है ये. ओके, सो यू कैन सी दिस आईब्रो एंड सी दिस आईब्रो. ओके, यू आर द बेस्ट हीना. ब्लेसी पॉल, हाई ब्लेसी, थैंक यू सो मच. शुभ्रा निगम इज टेलिंग मी वेर इज योर एकेडमी. माई एकेडमी इज इन थाने. यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर. सो दे विल सेंड यू डिटेल्स अबाउट अवर एकेडमी, क्या क्या कोर्सेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है. 1 month के कोर्सेस होते हैं, 2 days के पर्सनल ग्रूमिंग जो कहते हैं, पर्सनल मेकअप, वो 2 दिन का है. आप सैटरडे संडेज में आप पर्सनल मेकअप भी सीख सकते हो. मुझे ऑनलाइन क्लास है और वो यूजुअली मैं सैटरडेज एंड संडेज को रखती हूँ और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं, इट्स ओनली 800 rupees. ओके, तो आई टीच यू हाउ टू डू सेल्फ मेकअप इन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. आई विल टीच यू किस तरह से आपको करना है, एंड दैट इज लाइक ऑनलाइन कोर्स वेयर यू कैन डू दिस फॉर 2 days. ओके, सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड हर आईब्रोज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आई मेकअप. ओके, नाउ एज यू नो कि हम ब्रंच लुक है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आई मेकअप नहीं करना है, बट हमें नेचुरल लुक देना है, बट हमें थोड़ा सा आई मेकअप करना है. हम
ऐसे आई मेकअप करेंगे जिससे बहुत ही नेचुरल लुक देगा, बट एट द सेम टाइम वी आर पुटिंग सम कलर्स ऑल्सो. ओके, मैं आई मेकअप शुरू करने से पहले आई लव डूइंग कंटोरिंग. कितने लोगों को कंटोरिंग करना पसंद है या किसको यू आर ओके कितने लोगों को पता है कंटोरिंग, व्हाट इज कंटोरिंग? एनीवन नोज व्हाट इज कंटोरिंग? कंटोरिंग पता है क्या है? आई एम यूजिंग माय ईवा स्टोर का जो ब्रश किट है, इसमें का ये कंटोरिंग ब्रश आप देखोगे तो इट्स लाइक एंगुलर, यहां से लंबा है यहां से शॉर्ट है, ठीक है. एंड आई एम टेकिंग कंटोरिंग पाउडर which is dark brown color. Okay, so what I'll do, I'll just tap tap tap. कंटोरिंग करने से क्या होता है, फेस को एक शेप मिल जाता है. एंड ऐसा नहीं कि आप कंटोरिंग करोगे तो डार्क मतलब कुछ ब्राउन पैच दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये इट्स एन आर्ट, इट्स एन लाइक मेकअप पे ये यूज करोगे तो यू विल कम टू नो हाउ नेचुरल लुक इट गिव्स यू. ओके, इसको किस तरह से करना है कंटोरिंग, ऊपर से नीचे जाना है. Once you know your face shape and according to that you can give that contour look and also on the jawline. I'll show you the half face so you come to know how it looks. So I think everyone should know at least normal makeup, day to day makeup, personal makeup जो बोलते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि everyone should know how to do your makeup for by yourself. See this face. And then see this face. किस तरह से ये contoured look दे रहा है, right? Okay. So I'll do it on the other side. So like if you put makeup on your face, so what feeling you get? आप जब आपका makeup करते हो आपके face पे आपको क्या feeling आता है? What you feel makeup करने के बाद? What do you feel? आप जब अपना makeup करते हो Okay. So this is how I'm contouring jawline. अब मैं eyes को भी contour करूंगी. हमारी जो crease line होती है तो I'm taking that contoured this thing powder. Okay. And I'm taking small fluffy round like a paint brush. Okay. और ये यहां पर इसको crease line पे आपको सिर्फ draw करना है. जस्ट क्रीज लाइन पे यू हैव टू मेक लाइक अ हाफ मून. जो कंटोर पाउडर है वो ही लेना है. ओके गाइस, एंड जस्ट विद द फ्लफी ब्रश ब्लेंड इट लाइक अ हाफ मून. ओके, वी आर जस्ट डूइंग क्रीज लाइन पे सिर्फ हल्का सा कंटोर कर रहे हैं हम लोग. Like an half moon, and with the help of fluffy brush, just blend this. Should not look like a patchy, so you have to blend it with a fluffy brush. So this you have to do it on your crease line. अगर आपकी आंखें छोटी है, आपकी आंखें बड़ी है, कोई भी आंखी का shape होने दो, इस तरह से आपको crease line में आप half moon आपको draw करना है और इस तरह से आपको ब्लेंड करना है. ओके, एंड जस्ट पुटिंग आउटर कॉर्नर ऑल्सो लिटिल बिट एंड जस्ट ब्लेंड दैट. ओके, सो जैसे कि मैंने काफी यहां पे देखा कि काफी लोग जो है मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और मेकअप में क्या प्रोडक्ट होते हैं वो भी उनको पता नहीं है. बट आई थिंक एवरीवन पुट लिपस्टिक्स, राइट? सब लोग लिपस्टिक्स तो लगाते ही हो, तो सबके पास लिपस्टिक्स तो होगी ही होगी, ठीक है. तो ये लिपस्टिक आपको लेनी है, कोई भी कलर की लिपस्टिक आप ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, पिंक ले सकते हो, कोई भी कलर की आप ले सकते हो. आपको हाथ में इस तरह से लेनी है और मैंने ये पिंक कलर की ली है और इस तरह से आपको लिड पे लगानी है. और ये जो लिपस्टिक है आप क्रीमी लिपस्टिक आपके पास तो यूजुअली सबके पास तो क्रीमी लिपस्टिक तो होती ही है, राइट? तो मैंने क्या किया, पिंक कलर की लिपस्टिक ली और मैंने आई लिड पे इस तरह से लगा दिया. सी दिस आई, यू कैन गो लिटिल क्लोज.
ओके, सो इट विल गिव यू दिस पिंकी लुक, वेरी नेचुरल लुक, कुछ ज्यादा मेकअप नहीं लगेगा, बहुत नेचुरल लुक देगा ये। और एक लिपस्टिक से आप पूरा मेकअप कर सकते हो, जैसे मैंने ये जो कलर पिंक कलर का लिया है उसे मैं ब्लशर भी यूज कर सकती हूँ, लिपस्टिक भी कर सकती हूँ, आई मेकअप भी कर सकती हूँ। ओके, सो मैंने इस तरह से लीड पे लगा दिया। सो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर यू कैन डू दिस। ओके, सी, ओके, सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज माई लाइनर, या आपके पास काजल पेंसिल है आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास लिक्विड लाइनर है आप लिक्विड लाइनर भी कर सकते हो, मेरे पास जेल लाइनर है सो आई यूज माई जेल लाइनर एंड आई विल यूज माई एंगुलर ब्रश, दिस कम्स विद द कोम एंड एज वेल एज विद द एंगुलर, ये हमारा ये किट के अंदर ये सारे ब्रशेस अवेलेबल है। सो इफ यू वॉन्ट टू डू मेकअप, खुद का भी मेकअप खुद पे करना है तो ये ब्रशेस, ये इतने टूल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। ओके, 10 ब्रशेस है इसके अंदर, 10 to 12 वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस एंगुलर ब्रश। ओके, एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट अप्लाई ऑन द लाइन, और मुझे थोड़ा सा स्मच लुक चाहिए, तो ये लाइन लगाने के बाद जो मैंने पॉइंट जो ब्रश लिया था ये वाला पेन टाइप ब्रश, उसमें का कोई भी मैं आई शेडो का कलर ले लूंगी, कोई भी, आप ब्लू ले लो, आप ग्रीन ले लो, पिंक ले लो, कोई भी कलर, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि आप ब्लू लगा रहे हो या ग्रीन लगा रहे हो तो ऐसा लाउड दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इट विल गिव यू वेरी सॉफ्ट लुक, वेरी नेचुरल, एट द सेम टाइम इट विल गिव यू वेरी अट्रैक्टिव लुक। ओके, सो लाइक आई एम टेकिंग दिस पर्पल कलर। ओके, आई एम टेकिंग व्हाट, पर्पल कलर, यू कैन टेक ब्लू, यू कैन टेक ग्रीन, एनी कलर यू कैन टेक, राइट। और मैंने जहां पे लिक्विड लाइनर या आपने पेंसिल से अगर लाइन ड्रॉ किया है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कोई भी आई शेडो पाउडर लीजिए और उसको स्मच कर लीजिए आपके लाइन के ऊपर, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इट लुक्स लवली। जस्ट स्मच इट नाइसली, ओपन योर आई, सी, राइट। सो सेम वे ऑन द अदर साइड। अच्छा, यहां पे भी आपको लाइनर लगानी है लिक्विड, जेल लाइनर लगाएंगे आप पेंसिल से भी कर सकते हो, आप पेंसिल से भी लगा सकते हो, और वही पेंसिल से आप स्मच करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ नया दिखा रही हूँ, कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नई आइडियाज, कि आप जब पेंसिल लगाते हो तो आप उसके ऊपर कोई भी एक आई शेडो का पाउडर लगा के अच्छा सा स्मच लुक दे दो, इट लुक्स लवली। सो नाउ आई यूज दिस कलर एंड जस्ट ब्लेंड दैट। सी, ओके, सो दिस इज व्हाट आई गिवन द लुक एंड दिस कलर सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन द लोअर लिड ऑल्सो, ऑन द लोअर लाइन ऑल्सो, लिटिल बिट, नॉट टू मच, अगर आपको पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो इस तरह से आपको वाटर लाइन के नीचे लगाना है, सो यू कैन पुट ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, एनी लाइन, एनी कलर, और यू कैन जस्ट पुट डार्क ब्राउन और एनीथिंग। थम्स अप भेजो सो वी नो आपको समझ रहा है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। So I'm just applying compact. Okay. So now again, मैंने contouring किया, अब मैं जो lipstick use कर रही हूँ वही color, और उसको blusher मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, just 1, 2 and 3.
एंड यू नो जस्ट टैप दिस, काफी नेचुरल ग्लो चीक्स दिखेंगे, एप्पल ऑफ योर चीक्स, यानी स्माइल, सो दैट दिस एप्पल ऑफ योर चीक्स जो है उसी के ऊपर आपको लगाना है. ओके एंड जस्ट ब्लेंड इट, सी द चीक्स ग्लोइंग, सेम वे यर, जस्ट ब्लेंड एंड द ब्लशर इज ऑल्सो डन. यू नो नीड टू बाइंग ब्लशर पाउडर्स, If you have, you can use that. अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास लिपस्टिक है, आप उसी से भी ब्लशर कर सकते हो. ओके सी, ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज मस्करा. सो आप मस्करा कोई भी यूज कर सकते हो. ओके या मेकअप करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, ब्लेसी यू आर राइट, मोर कॉन्फिडेंस. मेकअप करने से क्या होता है, यू गेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट आता है, यू लुक अट्रैक्टिव एंड देन इफ यू लुक गुड तो आप अपने आप से भी मोटिवेट होते हो. जब आपके कोई आपका कोई फ्रेंड्स जो आपको कहते हैं वाओ यू लुक ब्यूटीफुल, देन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, राइट. सो आई थिंक एवरीवन शुड डू लिटिल बिट ऑफ मेकअप. इतना तो मुझे ऐसा लग रहा है सबको मेकअप आना चाहिए, सेल्फ ग्रूमिंग खुद का करने को, क्योंकि अभी लाइक जैसे आप देख रहे हो कि मेकअप के साथ साथ आपको हेयर ग्रूम करने को भी आना चाहिए, खुद के बालों का ब्लो ड्राई कैसे करने का, खुद के बालों का आयनिंग कैसे करने का, स्ट्रेटनिंग कैसे करने का. ये जो है नॉर्मल जो है उतना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद से इतना तो आपको करने को आना चाहिए. एवरीवन शुड नो लुका. ओके सो आफ्टर द ब्लशर वी हैव डन विद आई मेकअप, आईब्रोज. ओके नाउ आई विल डू लिपस्टिक. सो लिपस्टिक आई यूजुअली प्रिफर शुगर के लिपस्टिक्स, बहुत अच्छे होते हैं, काफी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है एंड इट लुक्स वेरी बहुत ही अच्छा, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा होता है इससे और लॉन्ग लास्टिंग. सेकेंडली ये मैट भी हो जाता है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है ये. लिटिल बिट आ सो लिपस्टिक यू कैन, जब आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो शुगर की लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है. या आप पहले पेंसिल ले लीजिए, शुगर की पेंसिल इस तरह से आती है, पेंसिल से आप अगर आपकी लिप्स अनइवन है तो आप पहले पेंसिल से आउटलाइन बना लीजिए, पेंसिल से अच्छे से भर लीजिए, उसके बाद आप लिपस्टिक लीजिए कोई भी और उसको अच्छे से फिलअप कर लीजिए. ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ आई डिड टूडेज लुक. इट्स ऑल अबाउट नो मेकअप लुक, यू कैन से वेरी नेचुरल लुक. ओके एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्किन पे ग्लो चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में जो मैक का स्टॉप क्रीम जो यूज किया था मैं वही यूज कर रही हूँ. ओके थोड़ा सा जो मॉइस्चराइजर है राइट, बट ये मॉइस्चराइजर जो है बहुत ही अच्छा है, काफी क्रीमी है, काफी शाइन देता है, तो उसको आपको यहां पे टैप करना है. इससे क्या होगा, स्किन नेचुरल ग्लो करेगी एंड स्किन ग्लो करती है तो आप और भी खूबसूरत दिखते हो, लाइक यू नो योर स्किन शुड ग्लो फ्रेश, इट लुक्स फ्रेश. सो हमारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, दो दो तीन दिन के, वन मंथ के कोर्सेज भी होते हैं. अगर किसको जिस किसी को भी मेकअप सीखना है, मेकअप आर्टिस्ट ये फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आगे जाना है, तो वन मंथ का कोर्स है जो आप कर सकते हो. सेकेंडली उनको मैं मेरे साथ काम करने को चांस मिलता है. ओके प्रैक्टिकल, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क मिलता है मेरे साथ. सो उससे क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिकल काम मेरे साथ करोगे उससे आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट लेवल और भी अच्छा होगा. ओके सो दिस इज हाउ आई अप्लाई द स्टॉप क्रीम विच विल गिव हर वेरी नेचुरल ग्लो. क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज के लिए आते हैं वन मंथ के लिए, तो इंडस्ट्री में मेकअप कैसे होता है,
ब्राइडल का मेकअप कैसे होता है, सबकी टेक्निक अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंडली, हम हमारे एकेडमी में हमारे ही प्रोडक्ट देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, सारे प्रोडक्ट्स आपको यहीं पे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दिस इज अ लुक, टुडेज लुक आई हैव गिवन। Okay, just applying little bit of foundation. Look up. Okay. आई थिंक मैंने जो लिक्विड जो था क्रीमी, वो मैंने चिक्स पे लगाया, जिससे स्किन नेचुरल ग्लो करती है। उसके बाद एक प्रोडक्ट होता है हाइलाइटर, हम जो जिसको कहते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है। आप वो पाउडर, हाइलाइटर पाउडर, अगर आपको और ज्यादा ग्लो चाहिए, अगर आपकी स्किन अगर ड्राई है, काफी मैच्योर स्किन है, काफी ड्राई है, तो ही आप ये यूज कीजिए पाउडर फॉर्म में, अदरवाइज नो नीड। इतना सा कर दिया तो भी बहुत हो गया। ओके, so I'm using my highlighter powder and just tap, so it will give you more glow. You can see, so MAC का highlighter बहुत ही अच्छा product है। so हमारे academy में हम हमारे सारे students को हमारे ही products देते हैं practice के लिए। so initially आपको कोई भी product buy नहीं करना है। So if anyone is interested doing this course, can always join our academy. Lockdown के बाद हमारा जो next batch शुरू होने वाला है August या July से, we'll inform you that, or you can write down the number. You can say the number. 8850805846. Hi Hemant. Yeah. So this was a look, today's look, and like she's ready to go. कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्रंच लुक? If you really liked it, send me thumbs up. So I'll come to know. और मैं ब्राइड्स भी लेती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज में भी मेरे जो पिक्स है ब्राइडल्स के, आप वो भी देख सकते हो। ठीक, so I think it's over and it's the end. Yeah, आपको कुछ सवाल पूछने हैं, any questions you can ask. Did you like the look? Send me thumbs up. Come on Dizzy Thane, show me the love. Send me some waves. ओके, सी यू देन गाइस। मैंने नंबर आपको बता दिया है, इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड कॉल अस, वी विल सेंड यू द डिटेल्स ऑफ अवर एकेडमी। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।